जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है हमको भूगोल। क्लास 11 होने वाली है। क्लास 9 और क्लास 10 हमारे सौर मंडल की चल रही हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सौर मंडल की क्लासेस आपकी चल रही हैं। अभी आपका सौर मंडल ख़त्म नहीं हुआ। आज क्लास 11 में भी मुझे लग रहा है ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे चैप्टर सबको पूछे जाते हैं। पूरा ये सिलेबस है ना, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो आज हम सौर कलंक के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य पढ़ लिया हमने, सूर्य किरीट वगैरह ये पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ेंगे सौर कलंक के बारे में। तो जैसा कि ये आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, समझ लो, इस पे मत जाओ कि ये क्या बन गया, ठीक है। ये आपका सूर्य है। सूर्य की जो भारी सतह होती है इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। इतना तो मैंने आपको कल परसों जो क्लास हुई थी उसमें बताया था। और यहाँ पर जो काले धब्बे होते हैं, ये काले धब्बे होते हैं, इनसे निकलती हैं सौर ज्वालाएँ। ये क्या है आपकी? सौर ज्वाला। काले धब्बों को ही हम कहते हैं सौर कलंक, ठीक है, समझ गए। इतनी कंडीशन आपको समझ आ गई। एक सौर कलंक को बनने में कितना समय लगता है तो ये आपको पता होना चाहिए। बता दिया है 11 वर्ष का समय लगता है बनने में और 11 वर्ष का समय लगता है बिगड़ने में, ठीक है। बनने में और बिगड़ने में 11 वर्ष के समय लगते हैं टोटल पूछे जाएं। बनने और बिगड़ने का तो 22 वर्ष का आपको लगता है समय। अब मैं आपको सौर कलंक के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा देती हूँ। इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। सौर कलंक की अच्छी तरीके से डेफिनेशन मैंने लिख दी है। सौर कलंक की जो डेफिनेशन है वो है प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले काले रंग के धब्बों को सौर कलंक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो परत है ये इसकी फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल है, ठीक है, ये प्रकाश मंडल है। और यहाँ जो काले धब्बे पाए जा रहे हैं ये पूरी परत ही प्रकाश मंडल है, ठीक है। यहाँ जो काले धब्बे पाए जा रहे हैं ना, उन्हीं को सौर कलंक किसने बोला है, ठीक है। सौर कलंक में ही देखिए, इसके सौर कलंक बनने का कारण सौर ज्वालाएं हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए सौर कलंक के बनने का कारण क्या है, तो आप बता दोगे सौर ज्वालाएं हैं, ठीक है। सौर कलंक वायुमंडल में रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, जो कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिखाई देते हैं, जो कि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में दिखाई देते हैं, ठीक है। जब सौर ज्वालाएं धरती पर पहुंचती हैं, जब आपकी जो सौर ज्वालाएं हैं वो धरती पर पहुंचती हैं तो बेतार संचार को प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट है आपका पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस। करा दिया था ये मैंने आपको। इसको हम सीरियस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मत कहना कि आपने साइरस लिखाया, सीरियस नहीं लिखाया, दोनों कंडीशन लिखा दी है मैंने आपको। ग्रह पढ़ेंगे हम, जिनको इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह की डेफिनेशन देख लीजिए, वे खगोलीय पिंड जो निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखो ये आपका सूर्य है, ग्रह निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ना, तो ये ही आपके ग्रह हैं, ठीक है। अभी आपने ग्रहों के बारे में पढ़ा जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हीं को हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या है 8। कितनी है? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, ये सूर्य है, सूर्य से जो बढ़ती दूरी है, यहाँ कौन सा ग्रह है, यहाँ कौन सा है, इनके आधार पर ग्रहों का क्रम।
आठ आपके ग्रह हैं, उनका क्रम आपको बताना है सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर। ट्रिक देख लीजिए, बसपा की मायावती सेब खाती है, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो बढ़ती दूरी के आधार पर आपको ग्रह भी याद हो जाएंगे। ठीक है, बस ए बुध, बुध से शुक्र, बुध शुक्र, प से पृथ्वी, क को नहीं लेना आपको। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, म से मंगल, या को नहीं लेना, ब से बृहस्पति। ठीक है, इसको नहीं लेना। स से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, स से शनि, ए से अरुण, और बी से वरुण। ठीक है, समझ गए। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर आपको ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो आप बता दोगे। ट्रिक है आपकी बसपा की जो मायावती है वो सेब खाती है। ठीक है, ट्रिक बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ट्रिक के माध्यम से आपको सारे ग्रह अच्छे तरीके से याद हो गए। अब आपको पढ़ना है ग्रहों के आकार का घटता क्रम। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, अभी तो हमने पढ़ा था सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, अब ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताऊंगी ना, इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस कंडीशन में ये ट्रिक बनाई गई है। उम्मीद करूंगी कि आप इस ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरीके से प्लैनेट को कर पाएंगे। ठीक है, प्लैनेट बोले तो ग्रह। ट्रिक है बस, अब पशु में बुध, तो देख लीजिए सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति, स से शनि, बृहस्पति शनि, अ से अरुण, ब से वरुण, प से पृथ्वी, सु से शुक्र, म से मंगल, और ये हो गया आपका बुध। ठीक है, ग्रहों के आकार का घटता क्रम आपको याद हो गया, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। दोनों ट्रिकों को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रख लेंगे तो आप कर पाएंगे। अब आपको पढ़ना है ग्रहों में किस सर्वाधिक घनत्व किसका है, किस ग्रह का सर्वाधिक घनत्व है, किस ग्रह का सबसे कम घनत्व है। तो देख लीजिए, पृथ्वी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, इसका 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। ठीक है, समझ गए। जल का मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जल का घनत्व कितना है, तो आप बता दोगे 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। शनि का घनत्व, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, जो कि 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये कंडीशन क्या है, इसको मैं समझाऊंगी आपको। देखो, ये सूर्य है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार अभी हमने पढ़ा था बसपा की मायावती सेब खाती है, ट्रिक पढ़ी थी ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, आपको इतना तो आता है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब बस थोड़ा सा समझना है। देखो, ये जो चार ग्रह हैं, देखो ये सूर्य के नज़दीक ही है ना, यहाँ तक नज़दीक है, यहाँ तक मतलब चार ग्रह सूर्य के नज़दीक माने गए हैं। ठीक, कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सूर्य के नज़दीकी ग्रह हैं, तो इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे, आंतरिक, सही नहीं लिखा, आप सही लिख लेना। ठीक है, आंतरिक ग्रह। ठीक, समझ गए, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह के साथ साथ इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। और ये जो चार ग्रह हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इनको कहते हैं, देख लीजिए, वाह ग्रह, गैसीय ग्रह, ग्रह लिख लेना यहाँ पे। ठीक है,
और जोबियन ग्रह, क्या बोलेंगे? जोबियन ग्रह। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि भाई बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बोलते हैं बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह और जोबियन ग्रह, ठीक है? ये कंडीशन आप समझ गए। लेकिन एक क्वेश्चन इतना पेपर में पूछा जाता है, मैं नहीं चाहती कि अगर मैंने आपको इसमें नहीं बताया तो आपके दो नंबर छूट जाएं, तो मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा इसमें। मंगल और बृहस्पति, इधर चार ग्रह आपके आंतरिक और पार्थिव ग्रह हो गए, और बृहस्पति से लेकर वरुण तक आपके बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह इसको कहते हैं, ये हो गए। मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर ग्रह टूट गए थे, मतलब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो है ना, जो छोटे छोटे कण हैं ये टूट गए थे, ग्रहों में से ही टूटे हुए कण हैं, तो इनको बोला गया है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है? इनको बोला गया है क्षुद्र ग्रह। तो एक हेडिंग नोट पॉइंट के हिसाब से आप लिख लेना कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। अब आपको पढ़ना है कि ग्रहों की गति के नियम, इनको आपको अच्छे तरीके से लिखना ही नहीं है, हमको समझना है। अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ लिखा है, समझा नहीं है, तो ज़िंदगी भर लिखते रहना, ठीक है? समझ गए? ये वाली चीज़, ये वाली लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब समझ लीजिए, अगर जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा काम है समझाने का, तो मैं आपको समझाऊंगी। तो देख लीजिए, ग्रहों की गति के जो नियम हैं, दो कंडीशन है इनकी। एक तो अक्ष पर, अक्ष इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोटेशन, ठीक है, घूर्णन, घूर्णन गति, और दूसरा है कक्षा, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण गति। अब मैं आपको अक्ष वाली गति समझाऊंगी, घूर्णन गति, कि ये होती क्या है। देखो, अपने ही केंद्र पर घूमना, अपने ही केंद्र पर घूमना, एग्जाम्पल मैंने मार्कर का लिया है। अब ये सेंटर है, ठीक है, मेरा जो हाथ है बीच में मैंने मार्कर रखा है, देखो। अब ये मार्कर ऐसे ही घूमे, अपने ही केंद्र पर घूम रहा है ना, ऐसा तो नहीं ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे नहीं घूम रहा, ये घूम रहा है सिर्फ ऐसे, अपने ही केंद्र पर घूम रहा है। लट्टू होता है, लट्टू आपने बहुत घुमाया होगा बचपन में, मैंने बहुत घुमाया है। अब आपको ये पेन वाली कंडीशन समझ आ गई। देखो, ये अपने ही अक्ष पर घूम रहा है ना, इसका इधर उधर तो फैलाव नहीं है, सिर्फ अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, तो इसे हम घूर्णन गति बोलेंगे, इंग्लिश में रोटेशन बोलेंगे, अपने ही अक्ष पर घूमने वाला बोलेंगे, अपने ही केंद्र पर घूमने वाला बोलेंगे, ठीक है? ये कंडीशन समझ गए। अगला देख लो, कक्षा वाली गति या परिक्रमण गति भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है? किसी के चारों ओर घूमना, ठीक है, कौड़ा बदान साई पीछे देखो मार खाई है ना, वो जो गेम है ना, उसके चारों ओर मतलब एक गोला सा कर लेते हैं, फिर मतलब घूमते ही जाते हैं, घूमते ही जाते हैं, वो कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको। और कौड़ा बदान साई, ये जो मैंने बोला है, ये मैं अपने टाइम पर गेम खेलती थी, इस वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था इससे पहले, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं ना, चक्कर लगाते हैं ना, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये सूर्य है, ये ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल तो यही हो गया। तो आपको दोनों कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ गई, अब आप लिख सकते हैं। अब आपको दो कंडीशन और अच्छी तरीके से समझनी है, रटनी नहीं है, ओनली समझनी है। देख लीजिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ये ग्रह हैं, ग्रह आपके आठ हैं, लेकिन छह की कंडीशन अलग है, दो की कंडीशन अलग है घूमने के मामले में, ठीक है? शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देख लीजिए, ये आपका सूर्य है, शुक्र और अरुण को छोड़ दो, और सभी ग्रह किस कंडीशन में घूमते हैं, ये दिशा आपकी पूर्व है, ये पश्चिम है, ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब
स्टार्टिंग अगर यहाँ से हो रही है तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे, समझ गए? पश्चिम से पूरब की ओर घूमेंगे। छह ग्रह कौन कौन से? बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ठीक है? इनको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ये, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं आपके छह ग्रह। अब शुक्र और अरुण किस दिशा में घूमते हैं, किस दिशा की ओर घूमते हैं, देख लीजिए। यहाँ मैंने सूर्य बना दिया है, ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ठीक है? ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब ये पता है कैसे चलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, मतलब पूरब से चलेंगे, ये कैसे चलेंगे, पूरब से चलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और ये छह ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है? कंडीशन समझ गए, इनको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद करूंगी कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।